हाँ बड़े, इस बैच में हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे, नहीं? अच्छा बताओ बड़ा, ग्रामर में क्या क्या पढ़ाया आपको? डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया, अभ्यास कराया, समझ में आया होगा, आया कि नहीं? फिर हमने आपको सिंथेसिस पढ़ाया, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, नहीं? फिर आपको हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया, रिमूव टू असर्टिव इनटू इंट्रोगेटिव, डिग्री अफर्मेटिव इनटू निगेटिव, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ाया कि नहीं, और एक्सक्लामेटरी इनटू असर्टिव। जितना पढ़ाने की चीजें हैं वो सब बता रहा हूँ, बाकी जो है कॉमन सेंस की चीजें, नाउन को एडजेक्टिव बनाओ, एडजेक्टिव को वर्ब बनाओ, ये सब चीजें हैं, तो अभ्यास जाती है। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है सेंटैक्स। सुना होगा क्या हेडिंग डालो बेटा, सेंटैक्स। सेंटैक्स माने क्या होता है पहले जानो बेटा, सेंटैक्स माने होता है कंकार्ड। कंकार्ड कंकार्ड कंकाल नहीं, कंकार्ड। तो कंकार्ड माने क्या होता है ये बताइए, जानना चाहोगे ना? प्रॉपर यूज ऑफ द वर्ड्स, शब्दों का सही इस्तेमाल। फिर से सेंटैक्स माने क्या होता है, कंकार्ड। कंकार्ड माने क्या होता है, प्रॉपर यूज ऑफ द वर्ड्स। सरल भाषा में इसे करेक्शन कहा जाता है, वाक्य में एरर्स होंगी, एरर को दूर करके आपको वाक्य सही करना होगा, ठीक है? इंटरमीडिएट कक्षा 12, एक वाक्य दिया होगा, उस वाक्य को करेक्ट करना होगा, यानी कि एक वाक्य दिया होगा उसमें कुछ न कुछ गलती होगी, उस गलती को आपको सही करना होगा, ठीक है? दिस इज कॉल्ड सेंटेक्स। क्या पढ़ो, प्रॉपर यूज ऑफ द वर्ड्स। अच्छा बताओ बेटा, शब्द हम लोग कहां पढ़ते हैं, बोलो? पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहां पढ़ते हैं बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब क्या हुआ, भाषण के भाग। कोई भाषण है उसके क्या क्या भाग हैं, तो बताइए बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती हैं, सब साठो। आठ, शाबाश, आई बेटा सही कहा आपने, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी है, आठ। आइए इधर से कहा बेटा, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा राम इज ए गुड बॉय। आपने पार्ट्स ऑफ कितनी बताई बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी बताई, आठ। वो आठों कौन कौन से हैं बताइए, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन, यही तो है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन, यही ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी हैं, आठ। तो बताइए यह स्पीच है कि नहीं, He said, comment, comma, Ram is a good boy. ये स्पीच है ना, अरे यार रिपोर्टेड स्पीच भाषण है ना। अब इसके ज्यादा से ज्यादा कितने भाग हो सकते हैं, आठ आपने कहा,
तो बताइए राम क्या है? नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। इज क्या है? वर्ब है, है? गुड क्या है? एडजेक्टिव है, है एडजेक्टिव। बॉय क्या है? नाउन है ना। तो बताइए इस स्पीच का भाग ए है कि नहीं? बोलो बोलो, है ना। तो ए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? आर्टिकल है। आपने आर्टिकल का नाम लिया था अभी, नहीं लिया था ना? इसका मतलब बेईमानी से बताया गया आपको। पार्ट्स ऑफ स्पीच कुल कितनी होती हैं? नौ। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी हुई? बोलो ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच हुई नौ, ठीक है। तो सेंटेक्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपसे कोई पूछे कि कुल कितनी होती हैं, क्या बताओगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच नौ होती हैं। वो तो आठ ही जानेगा, तो तुम गिना देना कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। आठ तो आपको मालूम है, एक मैं बता रहा हूँ वह क्या है? आर्टिकल। अरे ये आर्टिकल है ना, ये स्पीच है, तो स्पीच का भाग है कि नहीं? है ना। इसका मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी हुई? नौ। मिटा दें तो नौवीं कौन सी है? आर्टिकल। तो सबसे पहले आज हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं बेटा। किसके बारे में? आर्टिकल। हेडिंग डालो बेटा, आर्टिकल। तो प्रश्न लड़के ने किया, गुरु जी आर्टिकल माने क्या होता है ना? पहले तो ये जाना जाए कि आर्टिकल माने क्या होता है बेटा। दुनिया भर करते होते हैं, उपपद, अग्रपद, नहीं समझे, अनुच्छेद। लेकिन सरल क्या है बेटा? उपपद। आर्टिकल माने क्या होता है बेटा? उपपद। अब उपपद क्या है? अच्छा बताओ बेटा, पद माने अभी कल बताया होगा। अरे सम्मानित पद या अपमानित पद कहीं बताया था? तो पद माने क्या बताया था? नाउन। नाउन उपमाने समीप, इसे कहते ना उप कृष्णम, कृष्णस्य समीपम, उपगंगे, गंगाया समीपम। तो उपमाने समीप होता है, यानी कि पद माने नाउन, उपमाने समीप। ऐसा शब्द जो संज्ञा के समीप में आवे उसी को कहते हैं क्या बेटा? उपपद। उसी कहा जाता है आर्टिकल। तो बताइए आर्टिकल आएगी किसके लिए? नाउन के लिए आएगी। पद माने क्या होता है? नाउन। नाउन के समीप में जो आता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उपपद कहते हैं। अरे यार उपकृष्णम अभी समझाया, तो इसका भी ग्रह करो। कृष्णस्य समीपम, उपगंगे, गंगाया समीपम। तो उप का अर्थ क्या होता है? कहते हैं ना अधीक्षक, उपाधीक्षक। तो अधीक्षक के उपमाने समीप में जो रहता है दैट इज कॉल्ड उपाधीक्षक। तो उपमाने होता है क्या? समीप। तो आर्टिकल ये जो आएगी यह किसके लिए आएगी? नाउन के लिए आएगी। पद नाउन के समीप में जो शब्द होगा वही क्या है? आर्टिकल। तो आर्टिकल आएगी किसके लिए? नाउन के लिए। बात पक्की हो गई? बताइए बेटा आर्टिकल कितने प्रकार की होती है बेटा? शाबाश, हाथ रहो। आर्टिकल कितने प्रकार की होती है बेटा? तीन प्रकार। देखो ए एन डी, देखो इनको तीन थे मालूम बच्चा। अब पाठक को केवल दुई ही मालूम, इनको तीन थे मालूम है और पाठक को दुई थे मालूम है। तो इनको ज्यादा जानकारी है, इनसे आप लोग पढ़ो। लंट हो पाठक का है, मोबाइल खोल के बैठे हो पाठक के लिए, कुछ गड़बड़ है इसका मतलब? तो ध्यान से सुनो बेटा, आर्टिकल कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की।
एक तो होती बेटा इनडेफिनेट आर्टिकल, ये सब इंटर के बाद कंपटीशन जाओगे वहां पूछा जाएगा इनडेफिनेट आर्टिकल, और दूसरी होती है बेटा डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल, इतना समझ आ गया। इनडेफिनेट आर्टिकल माने क्या हो गया, अनिश्चित उपपद, क्या हो गया, इनडेफिनेट माने अनिश्चित, आर्टिकल माने उपपद, अनिश्चित उपपद, यह दो होते हैं बेटा ए और एन। डेफिनेट आर्टिकल माने निश्चित उपपद, यह केवल एक होती है, क्या बेटा द। तो हमने पूछा था आर्टिकल कितने प्रकार की होती हैं, तो आर्टिकल दो प्रकार की होती हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। अब कुल कितनी होती हैं, तीन, कौन कौन से, ए एंड द। बात समझ गए पक्का, अरे यार हम जो समझा रहे हैं उसको समझ रहे हो कि नहीं। तो क्या क्या होता है बेटा, आर्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच आज से कितनी हो गई, नौ, जिसमें हम इस समय पढ़ रहे हैं आर्टिकल। आर्टिकल माने क्या होता है बेटा, उपपद, उपपद माने क्या है ये समझा दिया, पद माने नाउन, उप माने समीप, यानी कि संज्ञा के समीप में जो शब्द इस्तेमाल होता है दैट इज कॉल्ड उपपद, आर्टिकल ना बेटा। तो प्रश्न है कि आर्टिकल आएगी किसके लिए, नाउन के लिए आती है बेटा, आर्टिकल आती किसके लिए है, नाउन के लिए। फिर पूछा आर्टिकल कितने प्रकार की होती है, तो तीन ठो ना कह देना, नहीं जैसे आज मूर्ख बन गए वैसे हमेशा बनते रहोगे। वो पूछ रहा है आर्टिकल कितने प्रकार की होती हैं, तो आर्टिकल दो प्रकार की होती है बेटा, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल माने क्या होता है, अनिश्चित उपपद कट होते हैं दो, ए और एन। डेफिनेट आर्टिकल माने निश्चित उपपद कट होती है द। ना बेटा तो बताइए बेटा ए माने क्या होता है, बोलो जल्दी, एक, एन माने एक। लड़के ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी द माने क्या होता है, तो इनका द द द द द पूछे गधा कहेंगे, द तो आर्टिकल है। अरे वो पूछ रहा है गुरुजी द माने क्या होता है, तो कहें द मा, द तो आर्टिकल है, माने पूछ रहा है, हमारी बात सुनो ना, लड़का पूछ रहा है गुरुजी द माने क्या होता है ये बताइए। तो गुरुजी ने कहा इसका कोई अर्थ ही नहीं होता, तो कह देना गुरुजी शब्द है कि नहीं, द एक शब्द है कि नहीं, है तो अगर शब्द है तो इसका क्वेश्चन कुछ अर्थ होगा, क्योंकि बिना अर्थ के शब्द निरर्थक होता है, शब्द है तो इसका क्वेश्चन कुछ अर्थ होना चाहिए। तो जानना चाहोगे बेटा पक्का, तो द माने बेटा हुआ, लिख लो हुआ कौन सा हुआ ये हम पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे, पहले इतना लिख लो, ए माने एक, एन माने एक, द माने वह, नोट कर लिया, गुड। अब एक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा गुरुजी ए माने एक होता है तो बी माने दुई, तो सी माने तीन, तो जेड माने 26 होता है। गुरुजी ने हौंक मारा एक कंटाप और कहा गधा ना बैठ, जेड माने 26 थोड़े होता है। तो लड़के ने कहा गुरुजी ए माने एक कैसे होता, क्योंकि एक सिद्धांत है बेटा किसी अल्फाबेट का कोई अर्थ नहीं होता, क माने कबूतर नहीं, क से कबूतर, ख से खरगोश, क माने कबूतर कहोगे नहीं ना, तो क जो है अल्फाबेट है कि नहीं, हिंदी का अल्फाबेट है,
ख हिंदी का अल्फाबेट है, इसका कोई अर्थ होता है क्या? जब वर्णों की मदद से शब्द बनते हैं तब जा करके अर्थ उसका होता है। आई बात सुन, तो किसी भी अल्फाबेट का कोई अर्थ नहीं होता। तो गुरुजी ये जो है अंग्रेजी भाषा का पहला अल्फाबेट है, तो इसका अर्थ होना ही नहीं चाहिए, इसका अर्थ नहीं होना चाहिए। लेकिन आप करो ए माने एक, क्यों ये बताइए। गुरु जी के पास कोई जवाब नहीं था, केवल यह कहने का नाम ये तो संसार जानता है कि ए माने एक होता है। ये इसे पाठक पढ़ा रहे थे क्या कि किसी अल्फाबेट का कोई अर्थ नहीं होता, यह सिद्धांत है। तो ए अल्फाबेट है कि नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। क्या अर्थ होता है? एक। लड़का जानना चाहता है गुरुजी कहना क्या चाहते हो। अब एक दूसरा लड़का जो दिमाग का तेज है वह खड़ा हुआ, उसने कहा गुरुजी एक अल्फाबेट हमको मालूम है, उसका अर्थ होता है। हमने कहा क्या? उसने कहा गुरुजी आई माने क्या होता है, मैं आई माने मैं होता है, नहीं सबको मालूम है तो माने होता है ना, जानना चाहोगे? ध्यान सुनो बड़ा, आई माने मैं होता ही नहीं है, माने नहीं होता। गुरुजी पूरा संसार जानता है कि आई माने मैं होता है, और आप कह रहे हो आई माने मैं नहीं होता। तो जो पाठक कर रहे हैं वही सही है, लेकिन संसार तो जानता है कि आई माने मैं होता है। जानना चाहोगे क्यों? गुड। मैथ पढ़ते हो, एक से नौ तक पूर्णांक कहा जाता है, सबको मालूम है? बताइए एक से नौ तक, या जीरो भी पता नहीं हमको, नहीं मालूम है। एक से नौ तक पूर्णांक हुआ, तो इसमें कौन सा अंक पूर्ण पूर्णांक है? मैथ पढ़ते होगे तो बताया गया होगा, एक से लेकर के नौ तक पूर्णांक है, तो कौन सा अंक पूर्ण पूर्णांक है बताइए? नौ का अंक पूर्णांक है, नौ का अंक पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि नौ की एक खासियत है बेटा, किसी भी संख्या में नौ से गुणा करो तो गुणन फल जो आएगा उसको जब जोड़ोगे तो नौ ही होगा। नौ दुनी अठारह, आठ एक नौ, नौ चौक छत्तीस, छ तीन नौ, नौ आठ बहत्तर, सात दो नौ, नौ नवा इक्यासी, आठ एक नौ, बारह नवैया एक सौ आठ, आठ एक नौ, तेरह नवैया एक सौ सत्रह, सात एक आठ एक नौ, चौदह नवैया एक सौ छब्बीस, छ दो आठ एक नौ। तो नौ आ रहा ना, करोड़ों में गुणा कर डालो लेकिन जब जोड़ोगे तो नौ ही आएगा। अब एक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा गुरु जी ग्यारह नवैया, हमने कहा निन्यानवे, तो कहा तब गुरु जी नौ नौ तो अठारह होगा, तो हमने कहा नौ नौ अठारह तो आठ एक नौ। अरे ये सिद्धांत है, सिद्धांत थोड़े गलत कर दोगे यार, एक संख्या ले आओगे तो नौ ही आएगा। करोड़ों में गुणा करो, गुणन फल जो आएगा उसको जब आप जोड़ोगे और अंत में जोड़ते जोड़ते एक संख्या ले आओगे तो वह नौ ही होगी। तो नौ अपने आप में क्या है? पूर्ण है, ठीक है। अब कहा गया है, कृष्ण ने कहा कि एको अहम, सॉरी
पहले बताओ बेटा आई माने क्या होता है, मैं माने क्या होता है। अरे यार पढ़े होगे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अधियारा मिट गया दीपक रेखा माई। तो जब मैं था तो मैं का अर्थ क्या है, अहंकार। मैं का अर्थ क्या है, अहंकार। पक्का? तो अहंकार है कौन, इसको जानो। तो गीता में कृष्ण ने कहा एको अहं द्वितीयो नास्ति, मैं ही हूं दूसरा कोई नहीं है। एको अहं द्वितीयो नास्ति, तो अहं कौन है, ईश्वर है। वो खुद ही कहता है मैं ही हूं और कोई दूसरा नहीं। यानी कि मैं माने अहं, अहं कौन है, ईश्वर है, उसका दूसरा नाम यह अहंकार, अहं नाम है उसका। उसने सीधे कहा कि एको अहं द्वितीयो नास्ति, मैं ही हूं दूसरा कोई नहीं। तो मैं कौन है, कृष्ण है। और इतना तो आपको मालूम होगा कि दो अवतार अपने यहां महान हुए, राम और कृष्ण। राम 12 कला के अवतार थे, लेकिन कृष्ण पूर्ण कला के अवतार थे, क्योंकि चोरी छिनारा सब उनमें शामिल था। अरे यार जो बता रहे हैं समझ महाराज, सारे गुण उनके अंदर थे। किसके अंदर, कृष्ण के अंदर। तो यह पूर्ण है, तभी उन्होंने कहा एको अहम द्वितीयो नास्ति, तो अहम कौन है, ईश्वर है। और ईश्वर अपने आप में क्या है, पूर्ण है। ठीक है, ईश्वर अपने आप में क्या है, पूर्ण है। ऑलमाइटी कहा जाता ना, गॉड इज ऑमनिसिएंट ऑमनिप्रेजेंट एंड ऑमनिपोटेंट, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है। तो अपने आप में पूर्ण है कौन, ईश्वर। ईश्वर आई माने मैं माने अहम, अहम माने ईश्वर। ईश्वर क्या है, अपने आप में पूर्ण है। तो इस संसार की जितनी चीजें पूर्ण हैं, वह अपने आप में क्या हैं, ईश्वर की हैं। इस संसार में जितनी चीजें पूर्ण हैं, वह किसकी हो गई, ईश्वर की हो गई। क्योंकि पूर्णता समाहित है जिसमें, वही ईश्वर है, तो वह भी उसी का भाग हुआ। तो नौ अपने आप में क्या है, पूर्णांक है। तो नौ का अंक किसका हुआ, ईश्वर का। समझा दें आपको, आज से 10 साल पहले जब सचिन तेंदुलकर बैट लेकर के मैदान उतरते थे और संयोग से सेंचुरी लग गई, तो दूसरे दिन पेपर में निकलता था क्रिकेट के भगवान, यानी कि अपने आप में पूर्ण थे। तो पूर्णता जब आ जाती है तो वह ईश्वर में शामिल हो जाती है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ईश्वर अपने आप में पूर्ण है और नौ का अंक पूर्णांक है, तो किसका हुआ, ईश्वर का हुआ। अब अंग्रेजी का अल्फाबेट लिखो बेटा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के अंक पर क्या बेटा, आई। और 9 का अंक किसका है, ईश्वर का है। तो यहां 9 के अंक पर जो वर्ण आएगा उसका सेंस किससे हो जाएगा, ईश्वर से। तो 9 के अंक पर आई आया, आई माने मैं माने अहं, अहं आया किसके लिए, ईश्वर के लिए। तो आई माने नहीं होता है मैं, यह मान्यता दे दी गई कि 9 के अंक पर जो भी वर्ण आएगा उसका सेंस किससे हो जाएगा, ईश्वर से। ठीक है, भाव है वो, माने नहीं है। किसी अल्फाबेट का जैसे प्ले माने खेलना, तो प्ले एक शब्द है, लेकिन अगर पी माने खेलना कहोगे तो कोई मानेगा नहीं ना। उसी प्रकार से आई माने में नहीं हुआ, ये मान्यता दे दी गई है कि इस अंक पर, नौवें अंक पर जो भी बन आएगा उसका सेंस कैसे हो जाएगा, ईश्वर से। अगर ये लिखा होता बड़ा ए बी सी डी ई एफ आई एच जी, अगर यहां जी लिखा होता तो जी माने क्या हो जाता है, ईश्वर। हमारी बात सुनो ना, मान्यता समझे ना, हमारी बात। ये मान्यता दी गई, आई माने में नहीं होता। तो लड़के ने कहा गुरुजी ए माने तो एक संसार के लोग जानते हैं,
यह क्या चक्कर है यह समझाइए, जानना चाहो बेटा। तो हमने ये सिद्ध किया किसी भी अल्फाबेट का कोई अर्थ नहीं होता, शब्द का अर्थ होता है। तो ए माने एक नहीं होता ना बेटा, अब जानना चाहोगे क्या चक्कर है? पढ़ने जा रहे हैं बेटा इनडेफिनेट आर्टिकल, अनिश्चित उपपद, कैट होता है बेटा दो, ए और एन। तो ए माने एक, एन माने एक, ठीक है। अब लड़का खड़ा पूछ रहा है गुरु जी ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल, इनकी जात एक है, ए माने एक एन माने एक, दोनों का अर्थ एक है, दोनों की जात एक है, दोनों का काम एक है। अरे यार लड़का पूछ रहा है गुरु जी ए माने एक एन माने एक, दोनों का अर्थ क्या होता है एक, दोनों जो है इनडेफिनेट आर्टिकल हैं, ठीक, और दोनों का काम भी एक है, दोनों की जात एक है, दोनों का अर्थ एक है, दोनों की जात एक है, दोनों का काम एक है। तो लर्न तो गुरु जी अंग्रेज मूर्ख था क्या, यह दृढ़ क्यों बनाया, एक ऐसे काम चल जाता, नहीं समझे, एक ऐसे काम चल जाता चाहे ए चाहे एन, तो दृढ़ क्यों बनाया, जानना चाहोगे? तो बता दिया पहले किसी भी अल्फाबेट का कोई अर्थ नहीं होता, पहले समझो, जानना चाहोगे क्या है? अच्छा बताओ इनडेफिनेट माने बेटा अनिश्चित, अनिश्चित माने कोई, अरे इनडेफिनेट माने अनिश्चित, अनिश्चित माने कोई, कोई की अंग्रेजी क्या होती है बेटा देखो यार, एनी, वाई हटा दो तो क्या बचा एन, यन हटा दो तो क्या बचा ए, यानी कि शब्द एनी है। अरे यार यहां नाम से समझो इनडेफिनेट माने अनिश्चित, अनिश्चित माने कोई, अनिश्चित माने जो निश्चित ना हो यानी कोई नहीं हो सकता है, तो कोई की अंग्रेजी क्या होती है बेटा बोलो एनी, एनी होती है ना, वाई हटा दो तो क्या बचा बड़ो एन, यन हटा दो तो क्या बचा ए। क्या सिखाया आपको, ए एंड एन आर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एनी, ये दोनों एनी के शॉर्ट फॉर्म हैं, जहां एनी का भाव आता है कोई, अनिश्चितता जहां हो उसके लिए क्या लगता है ए और एन, ठीक है। ये ए और एन शब्द कहां से मिले, एनी से, ए एंड एन आर द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ एनी, अभी आपको दिया बेटा, यह कहां से पैदा हुई समझा गया। अब वही प्रश्न करेगा लड़का कि गुरु जी ए माने एक एन माने एक, दोनों का अर्थ एक है, दोनों की जाति एक है, दोनों का काम एक है, तो गुरु जी यह दुष्ट क्यों बनाया गया, एक ऐसे काम चल जाता, प्रश्न सही है कि नहीं, अब आप जानना चाहोगे, पक्का शुरू करें, गुड। अब हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा ए और एन में अंतर, ठीक है, हिंदी भाषा समझाएंगे, हिंदी तो आपको आती होगी बेटा पक्का, आइए। अच्छा बताओ बेटा काम यह सब लिखा है हिंदी में लिखा है बेटा, बताइए इसमें कितने वर्ण हैं बेटा बोलो, कितने वर्ण हैं, हिंदी आती है कि नहीं, कितने अक्षर हैं पूछ रहे हैं, कितने वर्ण हैं, दो बुक यही हिंदी पढ़ते हो, देखो बेटा इसमें इतने वर्ण हैं, क धन अ धन म धन अ, दैट इज कॉल्ड कम, क में ये हलंत लग गया ना बेटा, तो बताया गया होगा संस्कृत में जब हलंत लग जाता है तो आधा का हो जाता है, आधा का और अ मिलकर के पूरा का बना, आधा म और अ मिलकर के पूरा म बना, तो बन गया क्या कम, पक्का हिंदी समझाना है, कम में कितने वर्ण हुए चार,
क अ म अ, पक्की बात? अब आइए, इतना जान लो बेटा, कोई भी व्यंजन बिना स्वर के पूरा नहीं होता। यह आधा का है, अ मिलने पर पूरा का बनता है। तो अब हिंदी का स्वर व्यंजन मालूम है कि नहीं? अरे वावेल और कॉन्सोनेंट हिंदी का मालूम है कि नहीं? मालूम है ना? तो बताइए का स्वर है कि व्यंजन है? व्यंजन है। व्यंजन के बाद क्या आया? अ। अ क्या है? स्वर है। म क्या है? व्यंजन है। अ क्या है? स्वर। तो देखो यही पूरे वाणी जगत का सिस्टम है। संसार की जितनी भी भाषाएं हैं सबका सिस्टम यही है। स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर ऐसे बनता है। हमारी बात सुन। अब आइए, इतना समझ आ गया? व्यंजन के बाद स्वर आता है, स्वर के बाद व्यंजन आता है, यह सिस्टम है। अब आइए बेटा, ए और एन अंतरता जा रहे हैं। यहां लिखो, ए लिखा बेटा, ऊपर हिंदी में कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे? अरे यार ऐसे लिखोगे ना? अब ऊपर जो लिखा है यह हिंदी का स्वर है कि व्यंजन है? आ स्वर व्यंजन मालूम है कि नहीं? क से लेकर के छत्रंग यहां तक क्या है? व्यंजन है। और आ से लेकर के अ तक क ख ग घ ङ ञ छ छ झ ञ ट ठ ढ ढ ण त थ ध ध न प फ भ भ ङ य र ल व स क स छत्रंग यहां यह क्या है? व्यंजन है। और स्वर क्या है? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, ये स्वर है। तो बताइए कि व्यंजन स्वर यही सिस्टम है पूरे वाणी जगत का, चाहे वह हिंदी भाषा हो, चाहे संस्कृत भाषा हो, चाहे उर्दू भाषा हो, चाहे जितनी भी भाषाएं संसार की हैं, सबका सिस्टम यही है। ठीक है? तो अब देखिए बेटा, ए लिखा, ऊपर क्या लिखा? ए। अब इस ए के बाद उच्चारण हिंदी का बताइए क्या होना चाहिए? हिंदी का क्या होना चाहिए? व्यंजन। अरे यार ए जो है हिंदी का स्वर हो गया, तो स्वर के बाद चरण क्या होना चाहिए? हिंदी का क्या होना चाहिए? व्यंजन। अब क्या लिखा बेटा? एन। इसको पहले हिंदी में लिखो, ऐसे लिखा होगा बेटा, जहां कहीं लिखा होगा जाकर देखना, ऐसे लिखा होगा। तो ए स्वर है, स्वर के बाद व्यंजन आया। अब व्यंजन के बाद क्या होना चाहिए? उच्चारण हिंदी का स्वर आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? स्वर। नोट कर लो इसे, यहां से यहां तक पूरा नोट कर लो, एक लाइन लिखा देते हैं, आ जाएगा। बोले इतना बना लिया? लिखो बेटा, अभी नीचे एक लाइन लिखो, जिस अंग्रेजी शब्द का उच्चारण जिस अंग्रेजी शब्द का उच्चारण हिंदी के उच्चारण लिख लेना, जिस अंग्रेजी शब्द का उच्चारण हिंदी के स्वर से शुरू होगा, हिंदी के स्वर से शुरू होगा उसके पहले एन बाकी अनिश्चित वस्तुओं के पहले ए का प्रयोग होता है। बाकी अनिश्चित वस्तुओं के पहले ए का प्रयोग होता है। यहां पर लिख लिया, क्या लिखा? जिस अंग्रेजी शब्द का उच्चारण हिंदी के स्वर से शुरू होगा उसके पहले एन लगाओगे, बाकी और जो अनिश्चित वस्तुएं हैं उनके पहले क्या लगाओगे? ए। नोट कर लिया? अब कुछ लड़के रटाए गए होंगे, उनको मालूम होगा ए एन डी,
जो लड़के ये रटे हैं अपने दिमाग से निकाल दें, नहीं तो हर स्टेप पर उनको प्रॉब्लम होगी। पठकवा जो बता रहा है उसको समझो, क्या जिस अंग्रेजी शब्द का उच्चारण हिंदी के स्वर से शुरू होगा, हिंदी का स्वर आप सबको वही बताया अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं, जिस अंग्रेजी शब्द का उच्चारण हिंदी के स्वर से शुरू होगा उसके पहले क्या लगाओगे एन, बाकी अनिश्चित वस्तुओं के पहले क्या लगाओगे ए। यही पाठक स्टाइल है, समझना चाहोगे से कहा डर सी गेव मी वन सी गेव मी एन वन रूपी रूपी नोट। यह लिखा है उसने मुझे एक रुपए का नोट दिया, सी गेव मी एन वन रूपीज नोट। अब देखो डर यह वाक्य लिखा है, है तो सबसे पहले यही तो अंग्रेजी शब्द है। जो लड़के ए ई आई ओ यू रटे होंगे उनके अनुसार वाक्य क्या है सही है, लेकिन वाक्य क्या है गलत। ये वन लिखा है ना, ओ लिखा है ना, ओ के पहले एन लगा दिया लड़के ने, तो कहेगा हमारा सही है लेकिन वह अंधेरे में है, वह सही नहीं जानता। बताया ना कि जानकारी करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। वन रूपी नो, अब इसको सही करो, वन रूपी नोट को पहले हिंदी में लिखो, वन रूपी नोट ऐसे लिखोगे ना, हिंदी ऐसे लिखना, जो अंग्रेजी शब्द है उसका उच्चारण ऐसे लिख लेना, अर्थ ना लिखना उच्चारण, देख लिया। अब देखो जो पहला अक्षर है यह हुआ, यह स्वर है कि व्यंजन है, यह बताइए बोलो स्वर है। अरे यार कस लेकर के छत्र ज्ञात क्या है व्यंजन है, तो यार अलावा उसी में आएगा हुआ, तो वह क्या हो गया व्यंजन हो गया, तो व्यंजन हो गया क्या लगाओगे एन लगाओगे, तो ये एन आपका क्या हो गया गलत हो गया, क्या लगेगा ए। आप सही बोल रहे, तो सी गेव मी ए वन रूपी नोट, जबकि ए ई आई ओ यू से आपका वाक्य क्या था सही था। तो कोई चीज रटो नहीं, पाठक समझो सब बात क्लियर हो गई। तो यहां पर अगर एन लगा है तो काट करके क्या लगा दोगे ए, क्योंकि यही लिखा गया जिस अंग्रेजी शब्द का उच्चारण, उच्चारण यही है ना, हिंदी के स्वर से शुरू होगा उसके पहले एन लगाओगे, तो यह हिंदी का स्वर है क्या नहीं है, तो दूसरा नहीं मिला व्यंजन है तो ए लगेगा, बात पक्की हो गई। आप देखो ना जैसे कहा सी इज ए अगली वुमेन, वह एक भद्दी महिला है। अब यह सही है गलत है नहीं, जैसे दूसरा से सी इज ए ऑनेस्ट ऑनेस्ट गर्ल, सी इज ए ऑनेस्ट गर्ल, ये लगा बेटा हमारी बात सुनो, तो यच है यहां ए ई आई ओ यू तो है नहीं, तो ये सही है नहीं बेटा आपका गलत है। यह जो अंग्रेजी शब्द है इसको पहले हिंदी में लिखो, उच्चारण लिखो ऑनेस्ट गर्ल, ऐसे लिखो बेटा पक्का, तो यह अंग्रेजी शब्द है इसका उच्चारण इसे लिख लेना अगर कोई संदेह है तो। अगर पहला अक्षर, ये पहला अक्षर हिंदी का स्वर है तो क्या लगेगा बोलो एन, तो ये जो ए लगा है ये गलत है, यहां क्या होगा बेटा एन होगा, आ गया होगा सुनो, तो यही लिखा बेटा देखो इधर, जिस अंग्रेजी शब्द का उच्चारण हिंदी के स्वर से शुरू होगा उसके पहले क्या लगाओगे एन, बाकी अनिश्चित वस्तुओं के पहले क्या लगाओगे ए। ये सही आ गया होगा सुन पक्का, कॉन्फिडेंस, कोई कठिन कर लोगे ना पक्का है, गुड।
तो अगर यह आपको अच्छे ढंग से समझाया, क्या कहता है बेटा, ए और एन ये दोनों शब्द कहां से आए, एनी से। ए एंड एन आर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एनी। जहां एनी का अभाव होता है वहीं उसका स्मार्टनेस पैदा करने के लिए ए और एन का इस्तेमाल होता है। बताया था ना कट्टी जमान, कट्टी का जमाना है। करिश्मा कपूर नीली चड्डी पहन के बालों में गिर जाती हैं, टीवी में देखते होंगे, तो क्या उनके पास कपड़ा नहीं है क्या? अरे यार पृथ्वीराज कपूर की पोती है तो बहुत पैसे वाली है, लेकिन नीली केवल चड्डी पहन के बालों क्यों गिरती हैं? स्मार्ट दिखने के लिए। अरे करिश्मा कपूर हैं, करिश्मा कपूर हैं, हमको कुछ मालूम नहीं, टीवी में आते हैं, प्रचार आता है, हमने देखा था। हे हमने देखा था तभी आपको बता रहे हैं। तो बताइए कट्टी क्यों पहनती है? स्मार्ट दिखने के लिए। तो जहां वही स्मार्टनेस यहां पैदा करनी है, एनी शब्द है उसी को कट्टी कर दिया गया, शॉर्ट फॉर्म कर दिया गया। जहां पर एनी का अभाव होता है वहीं पर ए और एन लगता है। अब आप समझ, ए एंड एन आर द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ एनी, क्लियर? कहां से शब्द पैदा, अब यह रूल बन गई, अब तुम एनी ना लगाने लगना, यह रूढ़िवादी परंपरा बन गई। हमारी बात सुन लो बेटा, और रूढ़ जो है वह आदिकाल से ली जाती है, इसलिए उसको रूढ़ कहते हैं, कि यह परंपरा बन गई। तो एक्चुअल में यह शब्द आए कहां से, ए और एन, ये अंग्रेजी का पहला अल्फाबेट नहीं है, एनी लिखा है, एनी में वाई और एन गायब हुआ, क्या हुआ, ए। और जब केवल वाई गायब करोगे क्या लगेगा, एन। बात सुन लो, दूसरा पॉइंट बताया, लड़के ने यह पूछा था कि गुरुजी ठीक है आपने बताया एनी से है, मान लिया हमने, लेकिन वो पूछा गुरुजी ए माने एक एन माने एक, दोनों का अर्थ एक है, दोनों का काम एक है, दोनों की जाति एक है, तो लंच गुरुजी अंग्रेज मूर्खता क्या दो ठुके बनाया, ये बताइए। तो इसको हमने हिंदी से आपको समझाया, एक शब्द लिया कम, इसमें कितने वर्ण हैं, तो आपको सिखाया चार वर्ण हैं, क अ म अ, ठीक है। अब बताइए हिंदी का स्वर है कि व्यंजन है, व्यंजन है, व्यंजन के आगे क्या है, स्वर, स्वर के बाद क्या है व्यंजन, व्यंजन के बाद क्या है स्वर, यही पूरे वाणी जगत का सिस्टम है। हिंदी संस्कृत अंग्रेजी उर्दू जितनी भी भाषाएं हैं सबका यही सिद्धांत है बेटा, स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन करके आता बेटा, ठीक है। तो अब हमने लिखा ए, ऊपर ए लिख दिया, ए लिख दिया, अब ऊपर ए जो लिखा है हिंदी वाला, यह स्वर है कि व्यंजन है, स्वर है, तो इसके बाद क्या आना चाहिए, हिंदी का व्यंजन उच्चारण, हिंदी का व्यंजन आना चाहिए। फिर लिखा हमने एन, एन कैसे लिखा, तो लास्ट, ये लास्ट में क्या है, न, ए स्वर है न व्यंजन है, तो व्यंजन के बाद क्या आना चाहिए, उच्चारण हिंदी का स्वर आना चाहिए। तो यही हमने लिखा दिया कि जिस अंग्रेजी शब्द का उच्चारण हिंदी के स्वर से शुरू होगा उसके पहले एन, बाकी निश्चित वस्तुओं के पहले क्या लगाओगे, ए। समझे ना, अब ए ई आई ओ यू जो लड़के रटे थे दिमाग से निकाल दें, नहीं तो हर स्टेप पर उनको प्रॉब्लम होगी। एग्जाम्पल सिखा बेटा, सी गेव मी एन वन रूपी नोट, तो लड़के के अनुसार यह सही है, क्योंकि उसने रटा है वो के पहले एन आएगा, नहीं बेटा, तो ये जो अंग्रेजी शब्द लिखा है इसको पहले हमने हिंदी में लिख लिया, लिख लिया, अब देखा किसका पहला अक्षर क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, व्यंजन है क्या लगेगा, ए, व्यंजन है क्या लगेगा, ए। दूसरा लिया सी इज ए ऑनेस्ट गर्ल, वह एक ईमानदार लड़की है, तो यह जो ऑनेस्ट लिखा है इसको पहले आप हिंदी में लिख लो, हिंदी में लिख लिया ऑनेस्ट गर्ल, तो पहला अक्षर हिंदी का स्वर है कि व्यंजन है, स्वर है, इसलिए यहां पर क्या लगेगा, एन। तो पक्का हो गया, जिस अंग्रेजी शब्द का उच्चारण हिंदी के स्वर से शुरू होगा उसके पहले एन, बाकी निश्चित वस्तुओं के पहले ए। अब इसका अभ्यास हम कल आपको करेंगे। आ गया पूरा कंसेप्ट, क्लियर हो गया, थैंक यू बेटा।